मैंने सोचा कि कोरोना आया है चाइना से, तो हम चाइना की प्रक्रिया से इस कोरोना का अंत करेंगे, इस तरह से क्या करना है इसके लिए। यहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और बौद्ध चाइना में इनका सिंगापुर, बर्मा, आज की बाली, इंडोनेशिया सभी में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ प्रचार हुआ, वहाँ सौम्य व्यक्तित्व जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते थे, सभी को शांति प्रदान करने के लिए उन लोगों ने बौद्ध धर्म में बहुत अपना बड़ा कार्य किया। उनका मुख्य उद्देश्य था युद्धों का ना होना, लोगों में अपना आपस में झगड़ा ना होना, करुणा दया की गुणों से हटकर मानव एक श्रेष्ठ गुण तत्व वाला है, ये मानव मानव को ही खाता। लेकिन उस समय में जमीन जायदाद राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध होना अनिवार्य था और युद्ध होता था और इससे मनुष्य मनुष्य को मार देता था, स्वार्थ के प्रति हो और मोह संबंध के लिए हो, आशा से हो, एक दूसरे को मार देता था। ऐसे समय में बौद्ध ने आकर ये कहा कि आप मानव हैं और सर्वण संपन्न हैं, आपको ज्ञान है, पशुओं को ज्ञान नहीं है, इस तरह जीना चाहिए, आपको इसका ज्ञान रहने के कारण आप समाज आपका आपसे मानव का एक समाज निर्माण हुआ, मानव कल्याण कार्यपूर्ण हुए, अपने शरीर के जीवन के लिए कैसा जीना चाहिए विधान हुआ। इन सभी विधानों को लेकर जो बौद्ध सामने आए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार आरंभ हुआ उसके पीछे एक कारण था। तब भारत में ब्राह्मण लोग कर्मकांड में बहुत विश्वास करते हुए लोगों के हर कर्म को कोई ना कोई गलती बता देते। जन्म हुआ तो उसका अच्छे नक्षत्र गड़बड़ नहीं हुआ, शांति करो, मरा अच्छे नक्षत्र गड़बड़ नहीं हुआ, शांति करो, क्या इस प्रकार ग्रहों के उसका कुछ भी अहित हो रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ कर्मकांड बताया जाता था और उस कर्मकांड की भांति उसको आगे चलाया। इसकी पराकाष्ठा इतनी हो गई थी कि आदमी अपना पर खुद खन कर डाला और लोग त्रस्त हुए। इस त्रस्तता के निवारण के लिए जब महात्मा गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में आए तो उन्हें लगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। यह जो कर्मकांड के नाम पर धोखा पड़ने के लिए जो आ रही है उसका ध्यान करते हुए लोगों को इससे बचाना चाहिए। और उन्होंने मानव धर्म की बुद्धि, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बुद्धि चलाओ, समाज को देखो, समाज को देख कर चलो, तुम्हें मार दिया गया, तुम हर एक पाँव भी रखते हो तो कोई ना कोई गलती है या कर्म में गलती है और सब के लिए शांति करो। इस प्रकार चलता रहा तो हम श्वास लेना भी अपने लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तब उस कर्मकांड की निवृत्ति के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने इस प्रचार को, इस ध्यान की क्रिया को, इस शांति को, इस मोह के छोड़ने को, आशा के छोड़ने को प्रचार किया तो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। लेकिन हुआ ये कि बौद्ध धर्म के प्रचार होते सब लोग आकर्षित होने लगे, आकर्षित होने लगे तो कर्म करना छोड़ देना आरम्भ हो गया, लोगों ने कर्म ही छोड़ दिया, भिक्षा होती अपनानी, भिक्षा ले लेना और ध्यान में बैठ जाना। अब जो कर्म छूट गया, हाथ में अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, तब दूसरे देशों के लोगों ने हमारे पर आक्रमण करने पर हमारे पास कुछ भी नहीं था,
और लोगों ने हमारे घर पर अर्पण करते हुए हमें बताया दूसरों से और दूसरों से हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। कारण क्या था कि हम आज तकहीन हो गए, हम क्षमा याचना या करुणा के बल पर जी रहे थे और वो भाषा उन्हें नहीं मानती जो हमारे पर आक्रमण कर रहे थे। वो जो आक्रमण करी हमारे को कमजोर असमर्थ समझकर हमारे ऊपर राज करने लगे और हम इतने ऐसे हो गए थे कि हमने गुलामी स्वीकार कर ली। हमने कहा हमें कोई आशा नहीं है, वो लोग आकर राज्य उन्होंने चलाया, हमारे मंदिर जला दिए सब गए, लेकिन हम हमारे हमारे जीवन में करुणा के माध्यम से कहने लगे कि वो आशावान है, मोहवान है। आज उसका पछतावा हो रहा है कि हम कहाँ अटके हुए हैं, हमारा क्या कर दिया हमारे शास्त्र है, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों से मंदिरों को गिरा दिया, हमारे शास्त्र ग्रंथों को जला दिया गया, सब हुआ। आज हम देखते हैं कि बौद्ध वाली राज में दूसरों का राज है, क्यों है? क्योंकि उस शांति क्रिया को लोग नहीं करने लगे और अधर्म को जीतने के लिए जो काम करना चाहिए जो हमारा सनातन धर्म कहता है। बाद में उनको पता चला कि हाँ, हमें भी धर्म की रक्षा के लिए और जो लोग असमर्थ है उनकी रक्षा के लिए शस्त्र उठानी चाहिए और वे सामने आए तो यहाँ बौद्धों में विभिन्न और बहुत से तरीके तरीके बौद्ध गौतम बुद्ध का प्रथम स्थापित जो भी क्रिया थी वो क्रिया गई और आगे की क्रिया आरम्भ होगी। अब ये हुआ ये कि बिना अस्त्र शस्त्र के काम न हुआ तो लोगों ने विष देने की प्रक्रिया, विष देकर लोगों को मारने की प्रक्रिया या कोई जंगली जानवरों को छोड़कर उनसे लोगों को मारने की क्रिया आरम्भ कर दी। जब ये भी नहीं लोगों को पता चला कि सूक्ष्म जीवी है जो उनको अगर आप किसी पर छोड़ देते हैं तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। आज जिस वायरस या बैक्टीरिया का आज हम अनुभव कर रहे हैं इसके पीछे बिना अस्त्र के लोगों को मारने की क्रिया है, आज हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमें ये पहली बार नहीं हुआ जब उनकी राक्षसों में भी थी। हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि कृष्ण नाम के राक्षस या कबीर नाम का राक्षस था, तो कबीर नाम के राक्षस को अगर तुम मार देते हो तो उसका एक रक्त का मुंह नीचे गिर जाता तो और एक रक्त भी पैदा हो जाता था और उसके साथ मान और भी वो लोगों को मारता था। सब ये सब देखकर जब माता काली को बता दिया महाशक्ति को और पराशक्ति को ये लोग इतने ऐसा विरोध कर रहे हैं कि हम इसे बच नहीं सकते, तब माता काली ने उस रक्त को, अब हमें बताया जाता है कि उस रक्त में के राक्षस को मारने के बाद अपनी जिह्वा से उसके रक्त को चाट दिया और उसके रक्त को भूमि पर गिरने नहीं दिया, उसे लोलिहा या लोलिहा मुद्रा कहा गया है। लोलिहा मुद्रा से उस रक्त को अपने जीव पर लेकर रक्त के बीच जो रक्त को नीचे में ले लिया और हमारी रक्षा की, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है कि माता काली का और आविर्भाव कैसे हुआ। तो यह जो क्रिया आज चल रही है वो क्रिया आज भी बहुत दिनों से चल रही है। ऐसे वायरस का या ऐसे बीमारियों का आना और रोगों की रक्षा के लिए हम प्रार्थना करना, देवताओं की प्रार्थना करना, देवताओं की आराधना करना, ये सारी चीजें हमारे आज से भी बहुत दिनों से चल रही है। अब बात यह होती है कि ऐसा ये कब कब हुआ, तो हम देखते हैं कि हर 100 वर्ष को एक बार ऐसी बीमारियां हमारे राज्य में फैली, फिर 100 वर्ष में ये बीमारियां फैली, तब हम ग्रहों पर जाते हैं देखते हैं तो क्या है कि 5 अच्छे ग्रह क्रूर स्थान या नीच स्थान में बैठे हुए हैं तो ये बीमारी फैलेगी फैली, ये ज्योतिष कहता है। जैसे हम जब ज्योतिष के अनुसार पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होते हुए 100 साल पहले कोई प्लेग था, कोई बीमारी थी, कभी आया था,
और इसके साथ भी बहुत सारे लोग बने। अब इस बार ये आया, उसके 100 साल पहले भी ऐसी बीमारी आई थी और लोगों का लोगों मृत्यु के कारण बने, कभी युद्ध हुआ, कभी बम गिरा। इस प्रकार जनसंख्या पृथ्वी अपना अवरोधन करते हुए अपना भार समान करते हुए चली आई, लेकिन इसमें कौन मरे और क्यों मरे और इस मानवीय प्रक्रिया से कौन बचे और कैसे बचे, ये भी हम ग्रहों के माध्यम से जानना जरूरी। कोई लोग बचे ज्यादातर करते हुए जिन्होंने दूसरों को आकार नहीं मारा, अपने स्वार्थ के लिए आकार नहीं मारा और आकार नहीं मारते हुए बचे। अगर मैं कहूँ ये मेरे गुरु पर इसलिए आनंद होता है, मेरे गुरु ने अपना मंत्र लेकर एक बात कही, तुम्हारे में कितनी ताकत है उतनी तो मिलाकर मांस खाओ पियो कुछ भी करो, मेरा मंत्र जप करो और बाद में बोलो। मेरी अपना मेरा अपना अनुभव है, बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनका मैंने गुरु की महत्ता बताई और कहा उनको कि तुम इस गुरु मंत्र को 1 लाख जप से जप लो और बाद में रोज सुबह 6-7 के बीच में गुरु मंत्र की 4 माला जप करो। तो उन्होंने वैसा किया और अनुभव किया, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर नहीं यही मिल रहा। बाद में बहुत मेरे पास ऐसे लोग भी आए जो बहुत पीछे थे, रोज बिना मुर्गी के काम नहीं चलता था या बिना मच्छी के काम नहीं चलता था, लेकिन जिन्होंने गुरु मंत्र जब दिया दीक्षा लेने पर, मैंने उन्हें कभी नहीं कहा। उन्होंने भी पूछा, गुरु जी क्या हम ये आप गुरु दीक्षा लेने के बाद ये खाना पीना सब छोड़ देना चाहिए क्या? मैंने कहा छोड़ नहीं देना चाहिए, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, छूट जाएगा। तो रोज खाने वाले थे मेरे पास आए, गुरु जी हमने गुरु मंत्र दिया है लेकिन मैं क्या बताऊं गुरु जी, आज मैं चिकन लेकर बैठा था तो मुझे ऐसा लगा मुर्गियां उड़ रही है और मैंने खाना बंद कर दिया। किसी ने कहा कि मच्छी लगाया था तो मछली इसलिए भी चल रही है और वो मुझसे कुछ कह रही है, मैंने मछली छोड़ दी। मैं आज अपने पास मेरे पास बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें वेजिटेरियन एक जमाने में बहुत कम थे और नॉन वेजिटेरियन ज्यादा थे, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज सब लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। केवल गुरु मंत्र की शक्ति पर, और जब ये हुआ तब से हमारे ऊपर कोरोना ने किस प्रकार का भी प्रभाव नहीं बचा कि आपके सामने आज इस वर्ष कोरोना इतना जोरों पर था, लेकिन आश्रम में ऐसा कोई आश्रम नहीं मिला, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, गुरु जन्म दिवस हो, नवरात्र हो या कुछ भी हो, हर अमावस्या हो, इतने ही लोग आए और किसी को मैंने ये सर कोई यहाँ आने पर मास्क नहीं लगा लिया और कोरोना ने यहाँ प्रवेश करके उसको गेट पर से पीछे भेज दिया गया कि तू इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ले आया काम नहीं चलता, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ अभी आप सब बैठे हुए हैं। ऐसे प्रोग्राम पूरे वर्ष में लॉकडाउन होने पर भी यहाँ लाभ नहीं लगा था, खुला था, फिर कोरोना आया और हमारे लोग तो आ गए अंदर और किसी को उसका प्रभाव नहीं हुआ। ये कारण क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ हमारे गुरु मंत्र की शक्ति हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर में बैठे कह रहे गुरु जी यहाँ अगर सवाल मंत्र करते हैं कहो तो उनके सवाल मंत्र का जब या उनके यहाँ आश्रम वासियों का लाभ मंत्र का जब या यहाँ के रोज हवन होने का विधान यहाँ उसका प्रवेश नहीं हुआ जिस बीमारी को सब लोग सारा संसार कर रहा था। हम आज परम पूज्य सतगुरुदेव जी के ये आभारी हैं कि उन्होंने जो मंत्र किया उससे न तो हम बीमार हुए, न किसी को बीमार होते देखा, न कोई मास्क लगाते देखा, न उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं, हमने केवल गुरु मंत्र जप किया और हमारी रक्षा करी। यह एक विधान है कि हम इन रोगों से बचे कैसे। इसके बाद अब आगे कह रहे हैं कि यूरोप में और एक नई बीमारी आ गई जो ब्रेन की बीमारी है, यह भी एक प्रकार है कोरोना का, जिससे दिमाग पर असर होता है और आदमी क्षण में मर जाता है। लेकिन जब मैं 4 दिन से इस पीछे रहता हूँ कि प्रभु ये बताओ कि बीमारी आए नहीं और हमारे पास तो पहुंचेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो गुरु ने वही कहा लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे को निकालता है। तो
हम ऐसा ही करेंगे कि चाइना का ही कोई ऐसा एक नया वायरस ढूंढेंगे जिससे वो वायरस उसको मार दे। अब वो वायरस क्या है, उस वायरस को मुझे ढूंढना हो संसार भर में बहुत सारे लोग, अगर अगर ये बात कहूँ मैंने वायरस ढूंढना है तो लोग मेरे को या तो पागल कहेंगे दीवाना कहेंगे, लेकिन इसकी बात कहता हूँ यहाँ तो वायरस नहीं आया। नहीं आने के क्या किया है ये लोग को पता नहीं, अब मैंने मैं बोलता भी नहीं, केवल गुरु मंत्री की दिशा ही है उसकी स्टेट बताया।